हेलो व्हाट्सअप भाई लोग, मेरे पास वन प्लस का नोट सी ई 3 लाइट और आज सिर्फ मैं कुछ डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बंदों को डाउट है कि भाई मैं कौन सी सेंसिटिविटी यूज़ करता हूँ और DPI किस तरीके से ऑन होती है इस फ़ोन में, वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला काम है क्या, ऊपर सेटिंग्स को ऑन करना है आपको, और भाई थोड़ा सा नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आएगा अबाउट फ़ोन का ऑप्शन। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद वर्जन लिख रहा है यहाँ पर, और बिल्ड नंबर पर आपको बहुत बार भाई मल्टीपल टाइम्स टैप करना है, मोबाइल का पासवर्ड डालना है, और उसके बाद डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब भाई डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए एडिशनल सेटिंग्स पर टैप करना है और थोड़ा सा यहीं स्लाइड करके इधर उधर देखना है, यहीं कहीं डेवलपर ऑप्शन का आपको मिल जाएगा। देखो भाई मैं देख रहा हूँ, सीधा करके देखता हूँ भाई। ओके देखो भाई डेवलपर ऑप्शन ये रहा लास्ट में सेकंड नंबर पर। इसको ऑन करने के बाद स्मॉलेस्ट विद का ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने के लिए, तो वही DPI होती है, डिस्प्ले डॉट पर इंच वो कर कुछ फुल फॉर्म है उसकी। तो देखो ये रही, इसको टैप करना सिंपल से 360 नॉर्मल आती है, मैंने आपको नॉर्मल करके दिखाई है, वैसे मैं 500 यूज़ करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं भी मतलब DPI कैसे ऑन करते हैं। तो इस तरीके से ऑन करते हैं, मैं 500 रखता हूँ, और गेम की सेंसिटिविटी भी मैं आपको बताऊँगा। अभी पहले इसको सेव कर देते हैं, ये हो गई हमारी 500 सेव। अभी यहाँ से चलो गेम में चलते हैं अपन लोग, मैं दिखाता हूँ गेम में मेरी कितनी सेंसिटिविटी है इस वन प्लस के फ़ोन में। और गेम प्ले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है भाई देख लेना जाकर, 1v1 की वीडियोस भी आने वाली हैं काफ़ी बढ़िया प्लेयर्स के साथ। भाई लाइक कर दो, जिस भी बंदे ने अभी तक लाइक नहीं कराया, लाइक नहीं मारते बंदे यार, 10% बंदे भी लाइक नहीं करते, 5% सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो भाई 5% बंदे भी सब्सक्राइब कर लेना तो काम बन जाए अपना, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना भाई, मैं काम की चीज़ें लाता हूँ आपके लिए यार, कर दिया करो ठीक है। तो चलो सेटिंग्स में चलते हैं, अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ मैं आपको गेम की सेटिंग्स अपनी। तो देख लो भाई सेंसिटिविटी हमेशा आपको फुल रखनी है 100 पर, ठीक है ना, ये 100 पर रहती है पूरी पूरी, ठीक है ना। तो भाई ये 100 पर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और 4x स्कोप आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और मेरी कस्टम हुड जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की जेरोक्स वाली सेम कस्टम हुड मेरी है, जैसी जेरोक्स के सेम वैसी मेरी सेम कस्टम हुड है, ठीक है ना, बिल्कुल भी अलग है नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको भाई प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कितना भी कुछ लगा लो आपके लिए भाई प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप ट्रेनिंग वगैरह खेला करो, और जिस भी बंदे को गिल्ड में आना है आ सकता है, गिल्ड ID मैं दे रहा हूँ, आप इस पर रिक्वेस्ट डाल दो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई फटाफट से यार जल्दी से, ठीक है ना, जिस भी बंदे ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लो गाइस यार, 4K के बहुत ही ज़्यादा करीब है हम। चलिए फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।